بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غذا و صحت کے بارے میں آج بات چیت ہوگی کیونکہ غذا کا صحت کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے سچائی ہے کہ صحت کا دار و مدار تندرست सेहतमंद खून पे वकूफ है और सेहतमंद मुकम्मल खून वो ग़िज़ा ही की बदौलत पैदा होता है यानी ग़िज़ा से खून पैदा होता है और खून जो है सही और मुकम्मल दुरुस्त वो सेहत का जामन है। सारी दुनिया की साइंसें जो सेहत के हवाले से हैं ये तस्लीम करती हैं कि अगर खून का क़वाम खून के अज़ा मुकम्मल सही हों तो बीमारी नहीं आती आदमी सेहतमंद रहता है। तो इस हवाले से खून ग़िज़ा से पैदा होता है इसलिए सेहत का दारोमदार भी ग़िज़ा पर है और इलाज भी वही मुश्किल कामयाब होगा जो ज़्यादा ग़िज़ा पे इन्हिसार करेगा ग़िज़ा पे डिपेंड करेगा। ये इंतहाई अहम है इसलिए कि ग़िज़ा से खून पैदा होता है। खून में तिब ने अखलात को माना है कि खून अखलात से मरकब है बलगम से सफरा से सौदा से और अलहाकी मादा से। अगर ये अज़ा खून में पूरे हों तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। अगर इनमें से किसी चीज की बलगम की सफरा की सौदा की या अलहाकी मादे की कमी हो जाए तो इससे जो है खून का क़वाम सही नहीं रहता और खून का क़वाम अगर सही ना रहे तो फिर वो खून जो है जिस्म के अज़ा को सही ग़िज़ाइयत नहीं दे सकता जिससे सेहत बिगड़ जाती है। खून के सही ग़िज़ा के लिए ये ज़रूरी है कि खून के तमाम अज़ा मुकम्मल हों और ग़िज़ा के जानना ज़रूरी है कि कौन सी ग़िज़ा से कौन सी खिलत पैदा होती है कौन से एलिमेंट अनासर जो हैं वो खून में पैदा होते हैं। तिब ने जो है चार अखलात को लिया है और एलोपैथी ने जदीद साइंस ने 14-15 एलिमेंट्स लिए हैं खून के अज़ा जो हैं उन्होंने जो तजिया किया है उन्होंने कहा कि अगर वो पूरे हों तो सेहत बरकरार रहती है उनमें से किसी एक की कमी बेशी हो जाए तो सेहत बरकरार नहीं रहती और उनका बरकरार रहना खून का तवाना और सेहतमंद होना इसका इनसार पूरियातन मुकम्मल तौर पर सही और मुकम्मल ग़िज़ा पे मकूफ है। मुकम्मल ग़िज़ा के लिए ये जो आजकल दौरे जदीद में ये एक कंसेप्ट दिया गया है कि मुतवाजन ग़िज़ा खानी चाहिए इसमें इतनी प्रोटीन हो इतने फैट्स हों इतने कार्बोहाइड्रेट्स हों इतने मिनरल्स वगैरह हों तो सेहत जो है वो कायम रहती है। लेकिन तिब जो है वो इससे बढ़कर भी आगे बताती है कि ये एक नुस्खा बना देना कि एक ग़िज़ा में इतनी प्रोटीन हो इतने फैट्स हों इतने कार्बोहाइड्रेट्स हों और वो ग़िज़ा मतवाजन ग़िज़ा कहलाती है
और ऐसी मुतवाजन गजा जो है वो सेहत की जिम्मेदार होती है। हालांकि तिब कहती है कि ये कंसेप्ट गलत है, ये मतवाजन गजा का कंसेप्ट जो है ये सेहत से इतनी मुताबकत नहीं रखता जितनी इंतहाई बेहतर तरीका और असूल कानून और कुलियात तिब ने दिए हैं। इसकी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी है उसके जिस्म में प्रोटीन पहले ही ज्यादा है। जिस आदमी के जिस्म में प्रोटीन पहले ही ज्यादा है उसकी मतवाजन गजा में तो प्रोटीन नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी उसे भी प्रोटीन भी दी जाएगी तो प्रोटीन पहले ही ज्यादा है, वो मतवाजन गजा जिसे कहा जा रहा है उसके लिए तो नुकसानदेह साबित हो जाएगी। इसी तरह एक आदमी है उसके जिस्म में पहले ही फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो मोटापे का शिकार है, पहले ही से उसके जिस्म में रोगनियात चर्बी वगैरह का गलबा है फैट्स का, तो उसकी गजा में जो है इस किस्म की जो है चीज नहीं होनी चाहिए, फैट्स नहीं होने चाहिए। अगर उसकी गजा में हम बैलेंस गजा समझकर वो प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बैलेंस डाइट देने की कोशिश करेंगे, फैट्स तो और बढ़ जाएंगे उसके, इसलिए वो उसके लिए नुकसान का बायस होगा, उसकी गजा में फैट्स नहीं होने चाहिए। मतवाजन गजा इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर किसी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उसका खून अल्कलाइन है तो फिर उसे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, उसकी मतवाजन गजा कार्बोहाइड्रेट्स वाली नहीं होगी। इसलिए मेरी बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि हर आदमी की मतवाजन गजा मुख्तलिफ है, ये मालिक का काम है वो देखे किसी इंसान को सेहत के हवाले से, देखे कि चीज जिसके जिसम में किस चीज की ज्यादती है, ये चीज की ज्यादती है अगर फैट्स की ज्यादती है फैट्स बंद कर दे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती है कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दे, अगर प्रोटीन की ज्यादती है तो प्रोटीन बंद कर दे, उसे दूसरी गजाएं दे। इस तरह इससे ये साबित हो जाता है कि गजाइयत का जो बैलेंस कंसेप्ट है, बैलेंस गजाइयत का या गजा का कंसेप्ट है, वो एक कानून बना देना, फार्मूला बना देना, ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। हर आदमी को देखकर उसके जिस्म में ये गजाई मादे जो ज्यादा हैं वो रोक दिए जाएं, जो कम हैं वो उसकी बैलेंस डाइट मुकर्रर करके उसे तजवीज कर दिए जाएं, तो वो मरीज खुद ब खुद बगैर किसी दवाई के भी दुरुस्त रह जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि उसके मजाज को देखा जाए और उसकी जरूरियात को देखा जाए और फिर उसकी बैलेंस डाइट जो है वो तजवीज की जाए। यही सेहत की कामयाबी के लिए एक बैन असूल कुलिया कायदा और कानून कहला सकता है। एक दफा मुझे एक सेमिनार हो रहा था अतीबा का एक कॉलेज में, मुझे भी वहां मधु किया गया था, मैं भी वहां हाजिर हुआ। वो उस सेशन के जो थे स्टेट सेक्रेटरी वो बार बार ये रिट्वीट कर रहे थे कि जी हमें आज न्यूट्रिशन के पीएचडी तशरीफ लाए हैं, वो भी हमें आज गजाइयत के बारे में रहनुमाई देंगे, ये हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है तबीबों की कि हमें आज एक पीएचडी माहिर न्यूट्रिशन जिसने न्यूट्रिशन में पीएचडी कर रखी है वो आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, तो वो भी आपको आज रहनुमाई देंगे। खैर हम बड़ी शिद्दत से इंतजार करते रहे कि भाई आज न्यूट्रिशन के पीएचडी से डॉक्टर जो है उनसे हमें को गजाइयत के बारे में रहनुमाई मिलेगी। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशकिस्मती से हम भी यहाँ आज आ गए हैं तो कुछ इस्तेफादा हासिल करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके जब डॉक्टर साहब की बारी आई तो डॉक्टर साहब स्टेज पर आकर अतीबा से मुखातिब हुए और मुखातिब होने के साथ ही कहने लगे जी गजा के बारे में
तो हमसे ज्यादा तबीब बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं इलाज और परहेज का जो कंसेप्ट तिब में पाया जाता है, यूरोप की साइंस में या न्यूट्रिशन में नहीं पाया जाता, वो मुझसे आप बेहतर जानते हैं, उस पर तो मैं इतनी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये आपको जरूर कहूंगा कि तुम्हें मानना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हर्बल के भी साइड इफेक्ट हैं, हर्बल अदविया के भी साइड इफेक्ट हैं। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हर्बल के कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये जो आपने बात की है हम तबीब इसे तस्लीम नहीं करते, हर्बल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने कहा बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि साइड इफेक्ट का जो है जानवी असरात का कंसेप्ट ही गलत है तिब के हवाले से, ये दुरुस्त है ही नहीं। साइड इफेक्ट का कंसेप्ट यूरोप ने पैदा किया, इसलिए जो एंटीबायोटिक देते हैं जहरें देते हैं, जहरों का साइड इफेक्ट हो सकता है, अदविया या अगजिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। असल में मैंने कहा डॉक्टर साइड इफेक्ट होता है हमारा एक तबीब का, मुआलिज का, डॉक्टर का। इस पे वो हैरान हुए, वो कहने लगे भाई अगजिया का अदविया का साइड इफेक्ट नहीं होता, तो फिर ये साइड इफेक्ट जो है ये हमारा डॉक्टर का या हकीम का कैसे हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें, एक आदमी के जिस्म में पहले यूरिक एसिड ज्यादा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, उसका खून गाढ़ा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मैं उसे जाकर कह दूं भाई देखो भाई आप गोश्त भूना करें, छोटा गोश्त भून लिया करें, अंडे भून लिया करें, इसी तरह जो है ये बहुत मकवी गिजा है गोश्त, आप ये खाया करें, आपका मसला दुरुस्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा कर दिया वो आदमी चलते भूना गोश्त खाएगा, ब्लड प्रेशर एक हो जाएगा और इसी तरह उसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी, उसे और कब्ज हो जाएगी, उसका खून और गाढ़ा हो जाएगा प्रोटीन से, तो इसमें गोश्त का तो कोई कसूर नहीं, गोश्त तो बड़ी अच्छी गिजा है, इससे बेहतर और क्या गिजाइत हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि उसका गोश्त बनता नहीं था, मैंने उसको गोश्त तजवीज कर दिया, अब इसमें गोश्त का कोई कसूर नहीं है, इसमें तो हमारा कसूर है कि उसकी गिजा गोश्त बनती नहीं थी, हमने उसे गोश्त तजवीज कर दिया जिसका उसमें साइड इफेक्ट हो गया। अब हमने ये नहीं कहेंगे कि साइड गोश्त का साइड इफेक्ट है, बल्कि हम ये कहेंगे बताने वाले ने गलत किताब तजवीज कर दी, गलत किताब बता दी, इस वजह से उस आदमी को साइड इफेक्ट हो गया। इसी तरह एक आदमी के जिस्म में सफरा की ज्यादती है, बाइलेट है वो, हाँ जी उसका मजाज जो है गर्म है, उसमें जो है फैट्स की ज्यादती है, हाँ जी मैं उसे तजवीज कर दूं, देखो जी देसी की बड़ी कभी गिजा है, बहुत ताकतवर गिजा है, तुम घी शक्कर खाया करो, तुम फूक घी खाया करो देसी, बहुत सेहतमंद हो जाओगे, तकड़े हो जाओगे। तो आप सोच रहे सारे मुआलिज मैंने कहा मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप न्यूट्रिशन के डॉक्टर साहब भी जो बात कह रहे हैं कि क्या वो आदमी चंद दिन में जीव की शिद्दत की वर्ज में मुबतला होकर इंतहाई जो है वो सफरा के बढ़ जाने से वो बीमारी की शिद्दत में पहुंच जाएगा और उसके लिए बड़ा मुजर साबित होगा वो देसी की, जिसके जिसम में पहले ही फैट ज्यादा है, रोगियां ज्यादा हैं, उसके लिए वो एक किस्म का जहर की सूरत अख्तियार कर जाएगा। इसमें उस आदमी को मैंने जो तजवीज किया है उसका कसूर है, उसके जिसम में पहले ही फैट ज्यादा थे, उसके जिसमें हरारत की पहले ज्यादा थी, सफरा पहले ही बढ़ा हुआ था, देसी घी ने तो और सल्फर देना है खून को, सल्फर से सफरा बढ़ना है, और सफरा बढ़ जाएगा तो उसका ये काम तो सीधे अख्तियार कर जाएगा, वो तो पोषण मतवातर खाने से और ज्यादा बीमार हो जाएगा सेहत की बजाय। अगर इसके हवाले से कोई आदमी कह दे कि जनाब ये घी का साइड इफेक्ट है, मैं तो नहीं इसे मानता ना तस्लीम करता हूं, या मुझे कोई आप में से बताए, मैंने कहा कि भाई वो तजवीज करने वाले का कसूर है, उस बंदे का देसी घी बनता ही नहीं था खाना,
उसे तो पहले गर्मी थी, हरारत थी, उसके जिस्म में पहली फैट्स की ज्यादती थी और उल्टा उसे और घी तजवीज कर दिया गया। इसमें घी का कोई कसूर नहीं, घी मकवी गजा है, बेहतरीन गजा है। मैं कहता हूँ घी तो आराम का डॉक्टर है, जिसम के तमाम आराम जो है वो देसी घी से टाल जाते हैं, खून में सल्फर बढ़ता है तो आराम खुद ब खुद रफा हो जाते हैं। लेकर अगर घी गलत तजवीज कर दिया, वो तजवीज करने वाला के कसूर है, वो मेरा कसूर है या डॉक्टर का कसूर होगा, उसका घी बनते ही था। इसी तरह एक आदमी है उसका मजाज अल्कलाइन है, उसमें सोडियम ज्यादा है, बलगम ज्यादा है उसके जिस्म में, और अगर मैं उसे कह दूं कि दूध मकमी गजा है, मकम्मल गजा है, सारी सहसे कहती हैं तुम दूध पिया करो खूब सुबह दोपहर शाम, तो फिर वो क्या बलगम की ज्यादती की वजह से और खून अल्कलाइन की, खून की अल्कलिनिटी अल्कलाइन मिजाज बढ़ता चला जाएगा और वो आदमी इंतहाई कमजोर होकर ज़ईफ़ व लागर हो जाएगा, उसके दिल डूबना शुरू हो जाएगा, उसे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, उसे उठना मुश्किल हो जाएगा, उसका उसका चलना फिरना दूभर हो जाएगा, उसका हर वक्त पड़े रहने को जी चाहेगा, काम करने की तरफ वो मायल नहीं होगा। इसमें कसूर किसका है? वो पहली अल्कलाइन था, मैंने दूध जो अल्कलाइन मिजाज रखता है मैंने उसे तजवीज कर दिया, हालांकि उसका दूध नहीं बनता था। हाँ, अगर किसी के कार ये बड़ी हुई है प्रोटीन, किसी की बड़ी हुई है, सजा बड़ा हुआ है, उसे मैं अगर घी तजवीज कर दूंगा, त्रयाक है घी, दाफे तजावियत है, घी खून को पतला करता है, घी जो है ये माशाल्लाह खून में हरारत पैदा करता है, जैसे ना खून गाढ़ा हो सकता है ना तजावियत बाकी रह सकती है, और अजलाती औराम जो है लम्हों में सातों में देसी घी से चले जाए, देसी घी से चले जाएंगे। अगर अल्कलाइन मरीज है मैं उसे ये तजवीज कर देता हूँ कि भाई तुम प्रोटीन खाया करो, गोश्त खाया करो छोटा भून के, तो तुम इंतहाई तंदुरुस्त हो जाओगे, बिल्कुल वो हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह मौजूद है, मेरे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, एमएससी का स्टूडेंट था, उन दिनों में एक डॉक्टर रियाज साहब थे जो हमारी यूनिवर्सिटी में थे कंट्रोलर ऑफ इम्तहान, उनकी मेदे की गैस और बदहजमी किसी गजा से भी नहीं जाती थी। उन्हें किसी ने बता दिया भाई तुम ऐसे करो, लाहौर में एक साबर मुल्तानी हकीम इंकलाब है, वो गजा से इलाज करते हैं, उनके पास जाओ, माशाल्लाह वो शक्तिया इलाज भी करते हैं, उन्हें किसी ने बताया, तो वो जरूर आपका इलाज करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है आप डॉक्टरों से तबीबों से इलाज करा कर के नाकाम हो चुके हैं, आप उधर चले जाए। उन्होंने मुझे खुद बताया, डॉक्टर रियाज साहब ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थे कंट्रोलर इम्तहानात, उन दिनों में मैं वहाँ एमएससी एग्रोनॉमी में कर रहा था, उन्होंने कहा जी मैं चला गया वहाँ, जो आदमी बीमार होता है तकलीफ में होता है वो तो हर चीज का सहारा तलाश करता रहता है, मैं चला गया वहाँ। जब वहाँ उनके पास गया, उन्होंने मेरी नब्ज देखी, दो चार अलामत पूछी, तो मुझे कहने लगे भी मैं दवाई तो नहीं दूंगा, आज आपको गजा बताता हूँ, आप जाकर वो गजा खाएं तो इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी हकीम साहब बताइए। हकीम साहब ने कहा जी आपने देसी बकरे का गोश्त हो या देसी मुर्ग हो या कोई भी मुर्ग हो और ना देसी भी मिले, आपने रोज मुर्ग खाना है, रोटी नहीं खानी और कुछ भी नहीं खाना। मैंने जब वो डॉक्टर रियाज साहब ने मुझे बताया कि मैंने जब उनकी ये बात सुनी ना तो हक्का बक्का रह गया, ये हकीम मेरा क्या इलाज करेगा। मैंने कहा हकीम साहब मुझे तो दलिया नहीं पचता, मुझे तो साबुदाने की खीर नहीं पचती, मुझे उबले चावल नहीं पचते, इतनी लाइट हल्की चीजें मैं खाकर देखता हूँ उनसे गैस हो जाती है, आप इतनी गोश्त कर रहे हैं भून कर खाओ, रोज गोश्त खाए मुझे कैसे पचेगा। तो साबर साहब ने उन्हें बताया भाई चले जाए आप अभी किसी होटल में, वहां से रोज बुर्ग लें और खा जाएं, अगर आपको कुछ हुआ तो पैसे भी मैं दे दूंगा आपके वो रोज मुर्गे के और आपके नुकसान का भी अदाला करूंगा, आप चले जाएं। उन्होंने कहा मैंने इतनी यकीन से उनकी बात सुनी तो मैं एक अच्छे होटल में चला गया। मैंने कहा जी मुझे एक मुर्ग रोज कर दें, उन्होंने कर दिया।
मैं इतना अच्छा लगा, इतना मजेदार लगा, खाते खाते पूरा रोज बगैर रोटी के मुझे कहा था, मैं खा गया। जाते जाते खाता जा रहा था, उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा मुझे सेहत होती जा रही थी, मुझे तो आ रही आती जा रही थी। उन्होंने कहा उसके बाद 10-15 दिन के बाद मैंने ये गोश्त खाया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, उसके बाद मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सही गिदा जो है, अगर तजवीज कर दी जाए तो यही सेहत की जामन है, क्योंकि दुनिया की हर सेहत मानती है कि गिदा से खून बनता है, और सही गिदा तजवीज कर दी जाए, खून की पैदाइश सही हो जाती है, खून का कवाम सही हो जाता है, खून के अज्जा पूरे हो जाते हैं, और जब खून के अज्जा अज़ा को सही मिलते हैं, अज़ा को सही गिदा मिलती है, खलियात और टिश्यू को सही गिदा मिलती है, तो वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए जो है अलाज का ताल्लुक, अब दुनिया जो है, मैं कह रहा हूं इस वक्त के बड़ी तेजी के साथ जहरों से, एंटीबायोटिक से और दूसरी मशरूई अदविया से बेजार होकर बड़ी शिद्दत से सारी दुनिया हर्बल की तरफ भागे आ रही है, लौट रही है, हाँ जी यू टर्न ले रही है। और ये मैं यकीन से आज कहता हूँ, आज से 15-20, ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक यही हर्बल वाले बड़ी तेजी से गजा की तरफ लौटेंगे, कि इलाज जो है असल में वो गजा से जो होता है वही मुश्किल पक्का और मुकम्मल इलाज होता है। और शबाब का दामन वही इलाज कहला सकेगा जिसकी बुनियाद जो है हम गजा पे रखेंगे। तो ये गजा की अहमियत है। आप जरा देखें कि जरासीम को ले लें, जरासीम बीमारी फैलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, फैलाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब जिस्म में इम्यून फोर्सेस और वाइटल फोर्सेस स्ट्रांग हूँ, तो हमारी इम्यून और वाइटल फोर्सेस जो है जरासीम को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती है, वहां पनपने नहीं देती, नशवो नवा पाने नहीं देती। उस वक्त ही जरासीम इंसानी जिस्म पर या इंसानी खून में दाखिल होकर हमला आवर हो सकता है, जब उसकी इम्यून और वाइटल फोर्सेस वीक होंगी। इम्यून और वाइटल फोर्सेस क्यों वीक है? खून का क्वाम ठीक नहीं, खून का क्वाम क्यों ठीक नहीं, पूरा क्यों नहीं, गजा दुरुस्त नहीं। इसलिए मेरे मोहतरमा, अगर गजा को दुरुस्त कर देंगे तो इम्यून और वाइटल फोर्सेस बेदार होकर खुद ब खुद बंदा तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे कि देख लें, तपदिक बंदे से बंदे को फैलती है, इसके जरासीम फैलते हैं, वो तो अभी मर्ज है। ये एक घर में एक आदमी को तपदिक हो, उसमें अगर 10-12 आदमी हैं, फैमिली मेंबर्स, सब पे तो कभी तपदिक का हमला नहीं होता, किसी एक आदमी में हो सकता है, उस पे होगा जिसकी इम्यून और वाइटल फोर्सेस वीक होगी, दूसरों पर वो जरासीम किसी भी तरह असर नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आदमी के खून का क्वाम सही है, उसके अज़ा सही है, तो फिर उसकी इम्यून और वाइटल फोर्सेस स्ट्रांग है। और ये भी याद रखें, इम्यून फोर्सेस जो है कुव्वते मुदाफ़ते बदन जो है, ये अज़ा में पाई जाती है, ये तिब ने बताया, किसी और साइंस में नहीं, ये तिब के कमालात हैं। ये हमारे आबा के जो हैं, जो कशफ से और जिन्हें ख्वाबों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम मकशूफात के जरिए रहनुमाई करते हैं, उनकी तहकीकात हैं। ये माइक्रोस्कोप का सिस्टम उनका कभी मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने बताया है कि जो है कुव्वत मुदाफ़ते बदन आज़ा में होती है, दिमाग में और असाब में और किस्म की है, उजलात और कलब में और किस्म की है, तीन ही सिस्टम है, और ग्लैंडुलर सिस्टम में और किस्म की है, तीन ही बेसिक जो है वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन और नर्व्स, मसल्स, हार्ट जो इनका रईस है, ग्लैंड्स और लीवर जो उनका रईस है। ये तीनों अज़ा जो हैं, ये इनमें ज्यादा कुव्वत पाई जाती है, इनकी ज्यादा कुव्वतों को कहते हैं इम्यून फोर्सेस। और खून में ये तीनों फोर्सेस जब मिलती है, वो कुव्वते मुदब्बरा बदन बनती है, और कुव्वते मुदब्बरा बदन खून में पाई जाती है। जब इम्यून फोर्सेस और वाइटल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जरासीम भी हमला नहीं कर सकेंगे, अमराज भी हमला नहीं कर सकेंगे, और वाइटल और इम्यून फोर्सेस उसकी ठीक होंगी जिसका क्वामे खून, खून के अज़ा सही होंगे,
और अदा को गजा सही मिल रही होगी और अदा के अफाल सही जारी और सारी होंगे, फिर इंसान के जिस्म का दफाई निजाम है वो इंसान को खुद ब खुद कुदरती तौर पर फितरी तौर पर उसे महफूज रखता है अमराज से। इसलिए मोहतरम साबीन, ये साबता साबितशुदा मुसलमा बात है कि इंसान की सेहत का तवानाई का शबाब का मियार जो है वो अदविया नहीं बल्कि अग्जिया हैं, गजाएं हैं। अब देखना ये है कि बीमारी को फैलती है, किसी उज्व की गजा जब खून में कम हो जाती है उस अजा उज्व के फेल सुस्त हो जाते हैं। जब किसी उज्व के फेल सुस्त होते हैं वहां मादे रुकते हैं, वहां रुतूबत रुकती है, वहां सर्कुलेशन रुकती है, वहां तफन पैदा हो जाता है और तफन पैदा होने के बाद जो है वहां जरासीम की वो बनागा बन जाती है और जरासीम को अटैक का मौका मिल जाता है, हमले का मौका मिल जाता है। तो इसलिए ये जो है अमीर और वाइटल फोर्सेस का दारोमदार गजा पर है। अब ये जैसे उज्व की गजा खून में कम हो जाए वो गजा तजवीज कर दी जाए और जो ज्यादा हो जाए वो रोक दी जाए। तो इस तरह बगैर किसी दवाई से इंसान जो है वो सेहत की तरफ लौट सकता है और सेहतमंद हो सकता है। अब हम देखेंगे कि गजा में कौन सी चीजें जिनको हमें मद्देनजर रखना है। इसमें मैं कहूंगा तीन चीजें अहम है। नंबर एक जो है वो है जरूरत गजा, नंबर दो मुनासिब गजा, नंबर तीन खबीर है। ये तीन चीजें गजा के बारे में बहुत ही अहम है। पहले मैं खबीर को लेता हूं। खबीर जो है वो जब खून में पैदा हो जाता है वो खून को जहरीला कर देता है, खून में इन्फेक्शन का बायस बन जाता है और वो खमीर जो है वो इंतहाई खतरनाक अमराज का बायस बन जाता है। आप देखें एक दूध को ले लें, आप दूध एक दिन पड़ा रहेगा तो उसमें खमीर पैदा हो जाएगा, दूसरे दिन खमीर पैदा हो जाएगा, तीसरे दिन उसमें जो है तफन पैदा हो जाएगा, चौथे दिन उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, पांचवें दिन उसी दूध में तो जो है वह जहर की सूरत अख्तियार कर लेगा। तो ये बात मुसलमा हुई कि खमीर जो है ये जहरें पैदा करता है इंसानी जिस्म में, इन्फेक्शन पैदा करता है, नुकसानदेह है। खमीर जो है ये नहीं होना चाहिए इंसान के जिस्म में, ये सबसे पहली और जरूरी बात है। खमीर कैसे बनता है इंसान के जिस्म में? जब आदमी गजा खाता है, अभी पहली गजा हजम ना हुई हो और वो दूसरी गजा खा लेता है, तबीयत मदबरा बदन या जिस्म का निजाम या निजाम जो है वो दूसरी गजा से हटकर ताजा गजा की तरफ लौट आता है और जो पहली गजा खाई होती है क्योंकि वो अभी हजम नहीं हो पाई थी इसलिए वहां खमीर पैदा होना शुरू हो जाता है। खमीर जो है वो उससे तफन पैदा होता है और फिर इससे जहरें पैदा हो जाती हैं। ये जो है खमीर जो है जिस्म में ये इंतहाई खतरनाक अमराज का बायस बनता है, इसलिए खमीर को मद्देनजर रखना चाहिए। अब मेरे नजदीक अगर कोई कहे जी दूध खमीर हो गया है इसमें मैं और दूध डाल दूंगा तो क्या ख्याल है कि वो दूध को खमीर और खराब नहीं कर देगा? अच्छे दूध को भी मिनटों में खराब कर देगा। इसी तरह अगर कोई खमीरे आटे में उसे ठीक करने के लिए ताजा आटा डालकर और वो उसे गूंद ले तो क्या खमीर खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो तो ताजा आटे में भी खमीर पैदा कर देगा। जब तक उस खमीर को खत्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई गजा देना भी खमीरी होकर जहरीली हो जाएगी और इसी तरह उस वक्त तक किसी भी किस्म की कोई और दुआ देना भी वो खमीरी हो जाएगी। इस तरह मुआलद दुआएं देता रहेगा, गजाएं देता रहेगा, रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर मुआलज कहता है यार एक सीधी दवाई दे दी है, त्रियाज दवाई दे दी है, इसे फायदा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन देखना ये होता है कि इसके पेट में, इसके जिस्म में खमीर तो नहीं है। सबसे पहले उस खमीर को खत्म किया जाए, और जब तक खमीर को खत्म नहीं किया जाता, गजाएं और दुआएं भी जो है वो असर नहीं दिखाएंगी। मरीज भी हैरान हो जाता है इतने बड़े मुआलिज के पास आया, मुआलिज भी हैरान हो जाता है इतनी त्रियाक दुआएं दी और इतना कुछ किया, इसके बावजूद जो है ये इसकी सेहत ठीक नहीं हो रही। इसलिए ये जरूरी है कि मरीज क्या आते ही मुआलिज और कहें कि कहीं इसके पेट में, इसके निजाम में किसी मकाम पर कोई खमीर तो नहीं पैदा हो चुका। अगर हो चुका है तो सबसे पहले उस खमीर को दूर करने की कोशिश करें। ये गजा की गजा का एक कंसेप्ट है कि खमीर है तो उसे दूर कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है जरूरत गजा ये है कि भूख के वक्त गजा खाई जाए, जब तक भूख ना लगे गजा ना खाई जाए। लेकिन होता अमूमन ये है कि बाद का गजा का वक्त हो गया, भूख नहीं लगी तो हम गजा खा लेते हैं। वो ऐसे गजा खाने से निजाम खराब हो जाता है। बाद बात हमने कहीं जाना होता है और गजा तैयार होता है खाना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं टाइम हुआ तो कोई नहीं, फिर वक्त नहीं मिलेगा, मैं किस सफर में जा रहा हूँ, मुझे खाना खा लेना चाहिए। ये भी बेवक्ता खाना है, ये भी बिला जरूरत खाया गया। इसी तरह बाद बात कहीं बंदा लजीज और मजेदार खाने देखकर उसको खाने की तलब हो जाती है, हालांकि अभी उसकी पुरानी गजा हजम नहीं हुई, पहली खाई हुई, वो खा लेता है, ये भी बिला जरूरत तो उसने गजा खाई। इसी तरह बाद बात कोई दोस्त मिल जाते हैं, वो जिद करने नहीं, वो अगर के नहीं आप खा लेना जी, थोड़ा बहुत खा लें। भाई गजा की एक बुर्ती या दो बुर्ती हूँ या पूरा पेट भर कर खाना हुआ हो, उसको हजम करने के लिए तो जिस्म को उतना ही काम करने पड़ेगा। इसलिए बिला जरूरत गजा खाना भी बहुत नुकसानदेह है। गजा की जरूरत का कंसेप्ट ये है बिला भूख ना खाई जाए। और भूख का कंसेप्ट क्या है, इस्लाम ने बेहतरीन कंसेप्ट दिया है। हाँ जी, इस्लाम ने बताया है कि जब तक शदीद भूख ना हो मत खाओ, और खाने के वक्त ये बताया है कि अभी कुछ भूख बाकी हो तो आप खाना तर्क कर दें, खाना छोड़ दें। तो ये कंसेप्ट है गजा की जरूरत का। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है, फरमाया है कि पेट से गंदा बर्तन कोई नहीं जो किसी ने भरा हो। अगर पेट का भरना मकसूद ही हो तो फिर पेट के तीन हिस्से करें, एक में खाना, एक में पानी और एक हवा की हम दो रफ के लिए। लेकिन हम तो कतई इसके खिलाफ है, खूब पेट भर कर खा लेते हैं, पानी साइडों पे यानी लामा के पानी, और सांस आए ना जाए। जिस पे तो शेखुल रईस ने फरमाया है, उसने कहा है कि बसियार खोर जो है वो दांतों से अपनी कब्र खुद खोदता है। हाँ जी, इसलिए इस्लाम ने भी किया सूं तसीह, रोजा रखो तंदुरुस्त रहोगे। रूसला तरुण का भी एक और फरमान है, कसरत से गजा खाना नहुसत है। तो इसलिए गजा जो है बिना भूख ना खाई जाए, जब इंतहाई भूख हो उस वक्त गजा खाई जाए, और अभी कुछ गजा बाकी हो तो खाना छोड़ दिया जाए। तो इससे जो है वो गजा की जरूरत का सही ये कंसेप्ट है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। इसमें देखें ये खाना जो है रोजे ने कंसेप्ट दिया 12 से 16 घंटे का, यानी सही भूख तो लगती है 12 से 16 घंटे के दरमियान। असल गजा का कंसेप्ट तो ये है कि कम से कम 12 घंटे का वक्फा हो, लेकिन कम से कम ये गजा जो है अपने जो है इस कंसेप्ट के तहत तो खाई जाए ना, 6 घंटे कम से कम मेदे में गजा रहती है, उसके बाद जो छोटी आंत में और बड़ी आंत में रहती है
इसके बाद जो उसका खून बनने का प्रोसेस शुरू होता है इसमें 6 घंटे कम से कम लग जाते हैं। कम से कम 6 घंटे का वक्फा तो जरूरी है ना। अगर कोई इससे कम वक्फा रखता है तो वो अपने आप को बीमारी को दावत देता है कि वो आए और उससे हमला आवर हो जाए। इसलिए सूमू तासी हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहत रोजा रखो तंदुरुस्त रहोगे। इसलिए भूख की पहचान ये है सच्ची भूख की कि उस वक्त जिसम में थोड़ी हरारत आती है और लज्जत महसूस होती है। हाँ जी, जिसम ये खासतौर पर चेहरे और कानों पे सुर्खी के आसार नुमाया हो जाते हैं। अगर किसी को सही भूख के कंसेप्ट की पहचान करनी है तो रमजान मुबारक में वो अफ्तारी के वक्त अपनी कैफियत देखे। असल में वही सही भूख का तसव्वुर है और सही भूख की जरूरत गजा की असल जो जिस्म की दावत है, जिस्म का पैगाम होता है इम्यून और वाइटल फोर्सेस का। इसलिए गजा का वक्त जरूरी है। बिला वजह बिला भूख गजा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बिला जरूर और बेगैर किसी टाइम के अगर आप गजा को खाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप दावत देंगे। तीसरी चीज जो कंसेप्ट है वो है मुनासिब गजा। मुनासिब गजा का मतलब ये है कि आप गजा जो है अपनी जरूरत के मुताबिक खाएं, इतनी गजा ना खाएं कि वो मेदे में जाकर फूल जाए। और मेदे ने जो गजा को पीसना होता है, हरकत में रहना होता है, वो हरकत ही ना कर सके बेचारा और वो गजा के निजाम में नाकाम हो जाए। और मुनासिब गजा का कंसेप्ट ये है कि मरीज को या किसी को वो गजा बताई जाए जो उसके लिए जरूरी है। अगर उसके जिस्म में बलगम की कमी है, मूली गाजर शलजम कद्दू टिंडे घिया तोरी खाने के लिए कहा जाए। अगर किसी के जिस्म में प्रोटीन की कमी है तो उसके लिए मुनासिब गजा ये है कि उसे गोश्त चने करेले मसर अचार चटनियां दही लस्सी पकौड़े समोसे खाने के लिए कहा जाए। और इसी तरह अगर किसी जिस्म में गर्मी की ज्यादती है, सल्फर की ज्यादती है, बाइल और सफरा की ज्यादती है तो उसे मूली गाजर शलजम कद्दू टिंडे खाने का कहा जाए। तेजाबियत की ज्यादती है तो उसे देसी घी मक्खन और इसी तरह जो है मेथी और खुबानी वगैरह आम वगैरह ऐसी गजाओं को तजवीज किया जाए। तो इसलिए मुनासिब गजा का होना भी जरूरी है सेहत के लिए। ये चीजें लिहाज अहम है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह गजा के हवाले से अगली रहनुमाई इससे बाद वाले जो है वो लेक्चर में दी जाएगी। आज माशाल्लाह ये काफी लेक्चर हो गया। उम्मीद है इससे आपको काफी रहनुमाई हासिल हुई होगी और ये जान लें कि सेहत का दारो मदार ही गजा पे है। अगर आप अपनी गजा सही रखेंगे आप तंदुरुस्त रहेंगे। ये इतना जरूरी सब्जेक्ट है गजा का, मेरे इल्म के मुताबिक तो ये मीडर और मैट्रिक के निसाब में जो है साइंस के में शामिल कर देना चाहिए कि गजा खाना और गजा के बारे में ये सारी हदायत जो है वो इस इंसानियत को उसकी बचपन ही में तालीम में जो बता दिए जाए सकरा दी जाए कि सेहत बरकरार रखने के लिए तुमने गजा को किस अंदाज से कैसे और कितनी और कब खाना है तो फिर एक सेहतमंद कौम पैदा की जा सकती है जो दुनिया में सेहत का स्टैंडर्ड और मियार पेश कर सकती है। कमाल है नहीं दूसरा ठीक हो गया जी, लंबा हो गया मैं। ये गजा के बारे में जो मैंने आपको मुफीद बातें जो मैं जानता था बताई है, इस सिलसिले में ये जो है मजाज के मुताबिक ये तिब में अगजिया तजवीज की जाती है और ये पुरानी गाइडेंस है। काना मिजाजुहु जबीला जंजबीला काना मिजाजुहु काफूरा। मिजाज को कुरान करीम में भी इस कंसेप्ट को तस्लीम किया है। अगर आप अपनी जरूरत के मुताबिक अगजिया की तजवीज करना चाहें करवाना चाहें तो इस सिलसिले में बंदा रहनुमाई के लिए अलबरकत दार शिफा पे कमालपुर में न्याज बाग में मौजूद है।
मेरी टाइमिंग 9 से 12 बजे तक है, इसमें आप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मुझे अपनी नब्ज दिखाकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। हम उसका कोई हदिया नहीं लेते कि अब वो कौन सी गजाएं उसे खानी चाहिए ताकि वो तंदुरुस्त रहे, क्योंकि नब्ज से ये भी पता चल जाता है कि ये आदमी फ्यूचर में किस मर्ज की तरफ जा सकता है। अगर वो बार वक्त अपने मिजाज की अदविया किसी अच्छे नबाज तबीब से पूछ कर वो अपनी खानी शुरू कर देगा तो बगैर किसी दवाई के ठीक भी रहेगा और अमराज से भी महफूज रहेगा। और ऐसी रहनुमाई के लिए मैं फिर दोहराता हूँ, ये नाचीज बंदा हमेशा मखलूक की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ की हुई है, हाजिर है, सिर्फ मेरी टाइमिंग का ख्याल रखें क्योंकि मैं 9 से 12 बजे तक ये काम करता हूँ। इसके अलावा मैं सारे चीजें तेज भी शाई करता हूँ, तेज का मंथली मैगजीन है, इसके अलावा इस्लामिक पब्लिकेशन भी करता हूँ, बहुत मसरूफियत होती है। इस टाइम से अलावा मैं माजरत चाहूँगा वही साहब नहीं आए क्योंकि मैं होते हुए भी नहीं ज्वाइन कर सकता, मसरूफियत की वजह से हर टाइम नहीं देता। तो अपनी रहनुमाई के लिए, मुफ्त इलाज मुआवजा के लिए अगर आप बीमार हैं आप मेरे पास तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह यहाँ 125, 150, 200 तक मरीज रोजाना देखे जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग ठीक होते हैं जिन्हें GH की रावलपिंडी और बड़े बड़े दारों ने कह दिया होता है कि जी आप इनकी खिदमत कर ले अब कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ऐसे लोगों को भी अल्लाह इस मकाम से अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसे नवाजते हैं, क्योंकि यहाँ हर रोज तहज्जुद के वक्त ये दुआ की जाती है कि या अल्लाह इस इदारे में जो भी बीमार आए तंदुरुस्त होकर जाए, लड़खड़ाता हुआ आए, अचकेलियाँ करता हुआ जाए, रोता हुआ आए, मुस्कुराता हुआ जाए, परेशान आया लाए, शादमान होकर जाए, नामुराद आए, बामुराद होकर जाए, खाली दामन आए, झोलियाँ भर कर ले जाए, बेदीन आए तो दीनदार बनकर जाए। ये माटो है इस अदारे का और यही तहज्जुद में इस अदारे का बानी रोजाना बिला नागा दुआ करता है। अल्लाह आपको इस अदारे की खिदमत से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमाए। कमाल है नहीं।